खुशा मदीद वीआईपी लाइव विद भट्टी में आपकी होस्ट ज़ारा खान आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई है और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर महफिल सजी हुई है। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, उस्ताद जज्जी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा ही मजा आ रहा है। होप कि आप सब भी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। और ऑफ एयर अभी हमें एक कॉल मौसूल हुई है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है खालिद महमूद साहब से कि बताएं कि असल में बैंजो है क्या, कहाँ से आया। और इसके अलावा एक और भी रिक्वेस्ट आपके लिए आई है, वो उस सॉन्ग की घर आया मेरा परदेसी, क्या आता है आपको इस पे अप्लाई कर लेंगे? चलें जी, आप थोड़ा सा आप मुझे उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। उन्होंने पूछा अभी कॉल जो थी, जी जी, उन्होंने सुना नहीं है मेरे ख्याल में प्रोग्राम। जी जी, अभी उन्होंने ये जापान का इंस्ट्रूमेंट है, जापान से इसका ताल्लुक है और तकरीबन 100-150 साल पहले से ये, और अभी भी वहाँ पे बच्चियाँ और बच्चे वहाँ पे इसको, उनकी क्लासेस होती हैं बैंजो की, बाकायदगी से वो बजाते हैं इसको। एक तो ये है, दूसरा आपने क्या कहा था जो गाना बता रही था? जी जी, घर आया मेरा परदेसी, कस्टम इंस्ट्रूमेंट जो है उन्होंने कहा प्ले कर ले। बहुत जबरदस्त, और आज तो इतना मजे की महफिल है और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये शो करके, और इतनी जबरदस्त ये जो है बैंजो और तबला का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन, आपको कैसा लग रहा है? आपको भी अच्छा, मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है। आप बताए हमें। ऑब्वियसली कि मुझे अच्छा लग रहा है, आपको भी। इसमें बंदा एक डूब सा जाता है ना, इसमें एक सहर है। सही, दुनिया से कट जाता आदमी। हाँ बिल्कुल, बहुत ये भी होता है कि बजाने वाले पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा बजा रहा है।